वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय जेपी मलिक। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू गेट लोन ऑन नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, एनएससी। लोग परचेज करते हैं और फिर लिक्विडिटी की कभी कमी बन जाती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उस पर लोन कैसे लिया जाए, ये विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले एनएससी क्या है, उस पर क्या मिलता है ये देखते हैं। एनएससी एट द रेट 6.80% फिक्स्ड है। जिस दिन आपने एनएससी खरीदे उस दिन जो ब्याज है वो फिक्स हो जाता है, वही चलता रहेगा एनएससी में। और ये 5 साल से कम पीरियड का नहीं मिलते हैं। डिपॉजिट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट है और ये डबल 10 ईयर्स एंड 4 मंथ में ये डबल हो जाते हैं। अब लोन की बात करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ लोन, डिमांड लोन और ओडी लिमिट। ओनली इंडियन कैन अप्लाई, एनआरआई को ये लोन नहीं दिया जाता है। तो अमाउंट कैसे फिक्स होता है? अमाउंट के लिए फेस वैल्यू जितने की आपने परचेज की है प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, जो उस पर ब्याज बना, उसमें से मार्जिन घटा दिया जाता है तो वो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो अब ये देखिए, मार्जिन ऑफ एनएससी, एनएससी का मार्जिन कैसे होता है। अगर एनएससी की परचेज 3 साल से कम है, लेस देन 3 ईयर हैज रन, तो 30% मार्जिन है। 9th इशू में 50 है, ये 2 इशू आजकल है, 8th इशू और 9th इशू। 3 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स में कि अगर उसकी रनिंग है 3 साल या 5 साल तक हुए हैं तो उसको 25% मार्जिन होगा, रेस्ट अमाउंट उसको लोन हो जाएगा। 40% इस केस में होगा। अब वो 5 ईयर्स हैज रन, अगर 5 साल से ज्यादा हो गया एनएससी को लिए तो 25% मार्जिन और 30% 9th इशू मार्जिन है। अब ये देखिए, जैसे आपने 1 लाख के परचेज किए, इंटरेस्ट 20,000, 25% मार्जिन लेके चलते हैं, तो ये अमाउंट आ, उसमें से मार्जिन हमने इंटरेस्ट 1 लाख के एनएससी खरीदे और 20,000 का ब्याज सपोज जुड़ गया तो 1,20,000 हो गए, और ये मार्जिन हो गया मार्जिन 25% सपोज इस कैटेगरी में है या इसमें है, तो ये मार्जिन काट के 90,000 के उसको लोन दिया जाएगा। अब देखिए, बैंक क्या डॉक्यूमेंट लेगा। बैंक को एक तो केवाईसी कंप्लायंट चाहिए, जो भी अप्लीकेंट आता है केवाईसी, नो योर कस्टमर। कस्टमर को कैसे जाना जाता है, उसके आईडी प्रूफ से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसको केवाईसी कंप्लायंट बोलते हैं। और रिपेइंग कैपेसिटी, उस रिपेइंग और रिपे कर पाएगा कि नहीं, ये देखा जाता है, नीड बेस है। और नो एनकम्ब्रेंस, कोई उस एनएससी पर भी एज ए सिक्योरिटी या कहीं लोन तो नहीं लिया है, भार मुक्त होना चाहिए, तो ये चीज देखेगा बैंक। और प्लेज और लियन, उस पर एनएससी को प्लेज या मार्किंग कराई जाएगी पोस्ट ऑफिस जाके, लेकिन ये कभी भी मार्किंग के लिए एप्लीकेंट को या बोरोअर को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि डायरेक्ट या तो रजिस्टर पोस्ट से या स्टाफ मेंबर जाएगा बैंक से। फिर बैंक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेता है। डिमांड लोन के लिए डीपी नोट स्टैम्प है, ओडी लोन के लिए ओडी एग्रीमेंट, और एनएससी ड्यूली प्लेज, जो प्लेज कराए हैं जिन पर मार्किंग की है इन फेवर ऑफ बैंक विद लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, वो एक पार्ट बनेगा डॉक्यूमेंट्स का। और पेमेंट वाउचर के साथ 6 PDCs, 6 पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक लिए जाते हैं। सिक्योरिटी रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें पूरी डिटेल एनएससी की होती है। ड्यू डेट डायरी एक मेंटेन करनी होती है जिसमें मैच्योरिटी डेट, किस एनएससी की, किस एप्लीकेंट की, किस बोरोवर की मैच्योरिटी डेट कब है, ये डेली बेसिस पे देखा जाता है बैंक में। आफ्टर पेमेंट, अगर पेमेंट फुल कर दी तो उसको फिर उसके एनएससी फ्री कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी रिलीज लेटर देते हैं विद प्रॉपर रिसीट, उसके उससे रिसीट ली जाती है ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। नोट, एनएससी नोट टू बी डिस्चार्ज बाय बोरोवर, एनएससी के बैंक में पाने वाले के हस्ताक्षर, ये कभी भी बैंक को बोरोवर के नहीं कराने चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक कैन क्लेम, उस पैसे को पोस्ट ऑफिस से रेमिट करा सकता है सिक्योरिटी को फॉरफिट करके। ऑल डॉक्यूमेंट बी कैप्ट इन फायर प्रूफ सेफ अंडर डुअल कस्टडी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये डबल कस्टडी में 2 अधिकारियों
द्वारा एक सेफ फायर प्रूफ सेफ में रखे जाते, तो ये बैंक के डॉक्यूमेंट है, फिर भी मैंने डिस्कस किया है। और जो एनएससी होल्डर है, जिसके एनएससी है, उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि फोटोकॉपी ऑफ ऑल एनएससी, सब एनएससी की फोटोकॉपी रखनी चाहिए, और कीप रिकॉर्ड ऑफ मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट का ध्यान रखना चाहिए, और जब भी उसकी मैच्योरिटी डेट आती है उसको बैंक में जाके इन्फॉर्म, बैंक एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि हो सकता है किसी दिन इस सीट पर कोई बैंक बैंकर ना बैठा हो पहले दिन और उसने इसको देखना भूल गया और ड्यू डेट आ रही, तो उसको बताया जाए, क्योंकि बैंक को मैच्योरिटी डेट के बाद इंटरेस्ट लेने का बैंक हकदार नहीं है, तो वो इसको बताना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग थोड़ा अमाउंट बाद में लोन का रख लेते हैं, आउटस्टैंड वो जमा नहीं करते। उसका फायदा क्या है कि जब भी आप प्लेज कराएंगे तो प्लेज की कुछ फीस है पोस्ट ऑफिस की, वो लेता है, फिर कैंसिल कराना पड़ेगा जब वो आपको रिलीज करेगा बैंक, तो फिर फीस देनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए थोड़ा सा अमाउंट आप जमा ना करें, उस पर कोई खास ब्याज भी नहीं लगेगा, तो फिर बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो पोस्ट ऑफिस से आपका पैसा स्टाफ भेज के मंगवाएगा और आप अपने रिकवरी करके रेस्ट अमाउंट आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया थी फ्रेंड्स एनएससी पर लोन लेने की। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।